तो ये लोग आपको देशद्रोही पाकिस्तानी जैसे शब्दों से नवाज करके आपके ऊपर फर्जी मुकदमा करा के आपके जिंदगी को बर्बाद करने का काम करते हैं। बेरोजगार आज भी रोजगार की तलाश में भटक रहा है, मर रहा है, दर दर भटक रहा है, और उस युवा बेरोजगारों के पेट पर सरकार लात मारने का काम कर रही है कि तुम लोग गाली गलौज करके धमकी दे करके क्या साबित करना चाहते हो? तुम बहुत बड़े तोप हो, तुम बहुत बड़े तोप हो। हम इसी ये दिन देखने के लिए हम इनको सत्ता में बैठाए थे कि ये हमें, हम इनसे सवाल करें तो ये हमें लाठियां भाजे, हम इनसे सवाल करें तो ये हमें गालियां दे, और हम इनसे सवाल करें तो हमें जेल भेजने की धमकी दे, हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हमारे करियर को बर्बाद करें। कब तक आखिर ऐसा खेल खेलोगे तुम लोग? ये खेल ज्यादा दिन तक चलने नहीं देंगे। 52% की आबादी है युवाओं की, और युवा चाह लेगा तो आपकी ऐसी तैसी मचा देगा। आप गरीबों के ऊपर अत्याचार करते हैं, आप दलितों के ऊपर अत्याचार करते हैं, आप मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करते हैं, और आप सोचे कि आपके खिलाफ कोई खड़ा ना हो, और आप ऐसे ही अत्याचार करते रहें, करते रहें, करते रहें। क्यों भाई क्यों? जिस दिन हम लोग की दिमाग सटक गई ना, तो आपको इस सत्ता से सटका देंगे, आपको सत्ता से बेदखल कर देंगे। और हम डर नहीं रहे इस सरकार से, हम डरते उड़ते नहीं है, ठीक है, हम वोट देते हैं, हम डरा कर रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी का नया ड्रामा शुरू हो गया साथियों। बाबा जी एक अलग नया ड्रामा शुरू कर रहे हैं, तो रवि किशन जी एक नया ड्रामा शुरू कर रहे हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री एक नया ड्रामा शुरू कर रहे हैं। यह ड्रामेबाज कंपनी प्रदेश को जनता, प्रदेश की जनता को मूर्ख बनाने के लिए और सत्ता में आने के लिए ये कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। पता नहीं क्यों भाजपाइयों को इतनी जलन है कि ये चुनाव के टाइम में दलित प्रेमी बन जाते हैं, ओबीसी प्रेमी बन जाते हैं, ब्राह्मण प्रेमी बन जाते हैं, और सभी के प्रेमी बन जाते हैं ये चुनाव के टाइम पे। और चुनाव के बाद जब आता है तो आप देखते हैं कि ये लोग उनका शोषण करते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, उनके हक अधिकारों को छीनने का काम करते हैं, और उनको जेल भेजने का काम करते हैं। कौन लोग? ये जो सत्ता में बैठे भारतीय जनता पार्टी के लोग, और ये जो सत्ता में बैठे बाबा योगी हो चाहे वो बाबा मोदी हो, इनका प्रेम जो है, भाईचारा, इनका इंसानियत सिर्फ चुनाव के 2 महीनों के पहले इनका जागता है, इसके पहले इनका कुछ भी नहीं जागता है। इनका जमीर मर जाता है, इनका जमीर तो सिर्फ चुनाव में जो है जागता है। और आप लोग बताइए कि ऐसी मानसिकता वाले लोगों का समर्थन कैसे किया जा सकता है? मैं ब्राह्मण हूं, आज इनका ब्राह्मण प्रेमी जाग उठा है भाजपाइयों का। आज ये बताते चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों की पार्टी है, ब्राह्मणों के हित के बारे में सोचती है, ब्राह्मणों के हित के बारे में कहती है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब इनसे आप किसी मुद्दे पर बात करिए तो ये मुद्दे पर बात ना करके ये ऐसी भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं जो देश के हमेशा खिलाफी होता है। हम देश को जोड़ने वाली बात करते हैं, ये साले देश को तोड़ने वाली बात करते हैं। हम देश के भाईचारा को कायम रखने की बात करते हैं, ये साले देश के भाईचारा को तोड़ने की बात करते हैं। और अगर हम भाजपाइयों को तोड़ने की बात करते हैं तो ये साले जेल भेजने का काम करते हैं। अब आप बताइए, अगर आप देश की बात करते हैं, देश के लोगों की बात करते हैं, देश के भाईचारा अखंडता को बना कायम रखने की बात करते हैं, उनके साथ चलने की बात करते हैं, तो ये लोग
आपको देशद्रोही पाकिस्तानी जैसे शब्दों से नवाज करके आपके ऊपर फर्जी मुकदमा करा के आपके जिंदगी को बर्बाद करने का काम करते हैं, ताकि आप दोबारा किसी के हक और अधिकारों के लिए बोल ना पाए। हम इनकी सरकार क्यों लाए, मुझे एक कारण बताइए। मैं युवा हूं, प्रदेश में 52% की आबादी युवाओं की है। क्या दिया है युवाओं को बीजेपी सरकार? मैं जितने भी इस माध्यम से जो लोग मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, मैं सभी से पूछना चाहता हूं, 52% की आबादी जो युवाओं की है, युवाओं के लिए सरकार ने क्या किया है? बेरोजगार आज भी रोजगार की तलाश में भटक रहा है, मर रहा है, दर दर भटक रहा है, और उस युवा बेरोजगारों के पेट पर सरकार लात मारने का काम कर रही है। मैं बात कह रहा हूं आप लोगों को, देखिए कमेंट में गाली लिख रही है, गालियां आ रही है। अरे मैं कह रहा हूं उन गाली देने वालों से, मैं पूछना चाहता हूं कि तुम लोग गाली गलौज करके, धमकी दे करके क्या साबित करना चाहते हो? तुम बहुत बड़े तोप हो, तुम बहुत बड़े तोप हो। एक युवा जो सपना लेकर आगे बढ़ता है, एक युवा देश का भविष्य है, और उस युवाओं को तुम खत्म करने का काम कर रहे हो, यानी देश के भविष्य को खतरे में डालने का काम कर रहे हो। देश को चलाने के लिए उन जैसे लोगों को हाथ में दे रहे हो जो देश को बर्बाद करने का मनसा बनाकर रखे हैं। हम युवाओं को बड़ी तकलीफ है इस सरकार से। हम पूछना चाहते हैं अपने मोदी सरकार से, अपने योगी सरकार से, कि हमारे युवाओं के लिए सरकार ने क्या किया है? युवा लखनऊ में आकर डंडे खा रहा है, गालियां खा रहा है, लाठियां खा रहा है, जेल जा रहा है, क्या इसी दिन के लिए सरकार को हम सत्ता में बैठाए थे? हम इसी ये दिन देखने के लिए हम इनको सत्ता में बैठाए थे कि ये हमें, हम इनसे सवाल करें तो ये हमें लाठियां भाजें, हम इनसे सवाल करें तो ये हमें गालियां दें, और हम इनसे सवाल करें तो हमें जेल भेजने की धमकी दें, हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हमारे करियर को बर्बाद करें, इसलिए सरकार में बैठाए थे? कब तक आखिर ऐसा खेल खेलोगे तुम लोग? ये खेल ज्यादा दिन तक चलने नहीं देंगे। 52% की आबादी है युवाओं की, और युवा चाह लेगा तो आपकी ऐसी तैसी मचा देगा, आप नहीं रोक सकते हैं मान्यवर। आप किसानों के ऊपर अत्याचार करते हैं, आप मजदूरों के ऊपर अत्याचार करते हैं, आप युवाओं के ऊपर अत्याचार करते हैं, आप गरीबों के ऊपर अत्याचार करते हैं, आप दलितों के ऊपर अत्याचार करते हैं, आप मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करते हैं, और आप सोचे कि आपके खिलाफ कोई खड़ा ना हो, और आप ऐसे ही अत्याचार करते रहें, करते रहें, करते रहें। क्यों भाई क्यों? सत्ता में हो तो इसका क्या मतलब, किसी को भी मरवा दोगे, किसी को भी फेंकवा दोगे, कुछ भी कर लोगे, और हम शांत होकर बैठे रहेंगे, कहेंगे आ बैल मुझे मार? अरे हम युवा हैं साहब, युवा हैं। जिस दिन हम लोग की दिमाग सटक गई ना, तो आपको इस सत्ता से सटका देंगे, आपको सत्ता से बेदखल कर देंगे। आप युवा के सोते हुए युवा को आप जगाने का काम मत करिए। जिस दिन युवा अगर राजनीति करने पर चला आया, जिस दिन युवा विधायक बनने पर चला आया, जिस दिन युवा सरकार बनाने पर चला आया, भाई साहब आप लोगों की सरकार नहीं बनने देगा। मैं सभी साथियों से कहता हूं कि अगर आप अपने हक व अधिकारों को मांग करना चाहते हैं, आप अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहते हैं, तो पहले इस सरकार को बदलिए। यकीनन मैं बता रहा हूं, मेरा विश्वास है कि अगर आप इस सरकार को बदल देंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और हम डर नहीं रहे इस सरकार से, हम डरते उड़ते नहीं है, ठीक है, हम वोट देते हैं, हम डरा कर रखते हैं। 5 साल के चुनाव में जब प्रत्याशी वोट मांगने आता है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि प्रत्याशी नाक रगड़ता है एक एक वोटर के सामने कि भैया वोट तो हमको दीजिएगा, तो काहे का डर, काहे का डर? और अंधभक्त कहते हैं आएगा तो योगी। अबे कहां से आएगा बे, हम नहीं लाने देंगे। हम युवाओं ने मन बना लिया है कि
किसी की भी सरकार बन जाए प्रदेश में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने देंगे। और आप लोगों को भी ये प्रण लेना होगा कि अगर प्रदेश का चौमुखी विकास करना हो, प्रदेश का अगर विकास करना हो, देश का विकास करना हो, तो आपको सबसे पहले इस सरकार को बदलना पड़ेगा। और सरकार अगर आप बदलेंगे तो आपकी मानसिकता बदलेगी, प्रदेश बदलेगा, देश बदलेगा, लोगों की सोच बदलेगी। तो आपको सर्वप्रथम इस सरकार को बदलना है। और अंडभक्त जो भाजपा के आईटी सेल वाले हैं, इनको तो रोजगार मिल ही गया, भारतीय जनता पार्टी ने दिया ही है दो चार पैसा की ट्वीट करने का, तो ये करते हैं। हालांकि देश का युवा नाराज है, प्रदेश का युवा नाराज है, अब इनकी ईट से ईट बजाने के लिए तैयार है। मैं खुद तैयार हूं। प्रण लेते हैं कि 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की कदापि सरकार नहीं बनने देंगे। अब हर युवा अपना हक मांगेगा। 52% की आबादी में जो युवाओं को भविष्य खतरे में डालने का काम कर रही है सरकार, अब ये युवा दिखाएगा कि सरकार कैसे बनाई जाती है और सरकार कैसे गिराई जाती है। मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि वीडियो को शेयर करिए और पहुंचाइए मेरे उन लोगों तक बात। और सुनिए, मंदिर मस्जिद धर्म के नाम पर जो लड़ाने का काम करते हैं आप लोग, बस ये भी कुछ दिन है, उसके बाद डंका आप लोग का बजेगा, बजाएंगे बाजा आप लोगों का बहुत जल्द। सभी साथियों से निवेदन करूंगा वीडियो को शेयर करिए। हम मिलेंगे अगले मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।